हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की। तो क्लास थर्ड के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, रमेश गॉट 647 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 348 मार्क्स इन मैथ। व्हाट आर द टोटल मार्क्स ऑफ रमेश? तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको देख के हमें पता लग जाता है कि हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब भी हम टोटल की बात करते हैं या इन ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स, इनसे हमें पता लग जाता है कि हमें क्वेश्चन में एडिशन करना है। तो एक मैंने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, सारे टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसमें और भी ज्यादा एग्जाम्पल हैं, कीवर्ड्स सारे बताए हुए हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंग्लिश के मार्क्स लिख लेते हैं रमेश के। तो क्या सेंटेंस हम बनाएंगे, रमेश मार्क्स इन इंग्लिश। रमेश के कितने मार्क्स है इंग्लिश में? 647। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे रमेश मार्क्स इन मैथ। तो सेंटेंस कुछ और भी आप बना सकते हैं, छोटा सा ही सेंटेंस आपको बनाना है, जिसे हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं यहाँ पे, कि छोटी स्टेटमेंट आपको बनानी है, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो मार्क्स इन इंग्लिश भी लिख सकते थे खाली, मार्क्स इन मैथ, या अगर किसी का नेम दिया हुआ है तो वो मेंशन कर सकते हैं आप। तो छोटा छोटा ही हमको बनाना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबा आप स्टेटमेंट लिखें। तो टोटल मार्क्स यानी हमें यहाँ पर एडिशन करना है, तो एडिशन का साइन लगाना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है। तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे हम एडिशन करें, चाहे सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लीकेशन करें, हमेशा हम वन प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे। तो 7 + 8 हमारा होगा 15, 5 हमारा वन प्लेस पे आएगा और 1 हमारा कैरी होगा। 4 + 4 + 1 9, और 6 + 3 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, रमेश गॉट 995 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोल्ड 658 कार्स इन जनवरी, 509 कार्स इन फरवरी एंड 755 कार्स इन द मंथ ऑफ मार्च। यानी हमारे पास 3 मंथ का डेटा दिया हुआ है, जनवरी का, फरवरी का एंड मार्च का। तो यहाँ हमारे पास 3 डेटा दिए हुए हैं, तो ये तीनों ही हमारे यूज होंगे। नेक्स्ट हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड बाय द कंपनी इन 3 मंथ्स। यानी टोटल 3 मंथ्स का आपको डेटा फाइंड करना है कि टोटल कितना 3 मंथ्स में आपकी कार सेल हुई है। तो यानी हमें यहाँ पर भी एडिशन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही फाइंड करना है कि हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि एंड जब कराया जाता है बच्चों को, खाली एडिशन वाला चैप्टर कराया जाता है, तो उनको पता होता है कि हमें तो एडिशन ही करना है, या सब्ट्रैक्शन वाला चैप्टर कराया जाता है तो पता होता है कि सब्ट्रैक्शन ही करना है। बट जब मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं, तो खुद से आपको फाइंड करना पड़ता है कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो एक एक मंथ का डेटा हम लिख लेते हैं यहाँ पर। कार्स सोल्ड इन जनवरी 658, कार्स सोल्ड इन फेब्रुअरी 509, कार्स सोल्ड इन मार्च 755। अब 3 मंथ का डेटा हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन 3 मंथ, इनका एडिशन करना है हमें, 1922 ये आंसर आएगा। दस 1922 कार्स वर सोल्ड इन 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ शॉप हैड 5430 साइकिल्स, इट सोल्ड 4185 साइकिल, हाउ मेनी साइकिल्स वर लेफ्ट इन द शॉप। तो जैसे कि मैंने कीवर्ड्स बताए थे, तो लेफ्ट जो है हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए कीवर्ड है, लेफ्ट वर्ड देख के हम पता लगा सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। नंबर ऑफ साइकिल्स 5430, का साइकिल्स सोल्ड, और बस अब इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो
हमारा आंसर आ जाएगा साइकिल्स लेफ्ट इन द शॉप शॉप आर 1245. नेक्स्ट, द टीचर हैड 2568 स्कूल डायरीज टू गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स. शी गेव अ डायरी ईच टू 2400 स्टूडेंट्स. हाउ मैनी डायरीज वर लेफ्ट विद हर. यानी टीचर के पास स्कूल में 2568 डायरीज थी, जिसमें से उन्होंने 2400 डायरीज स्टूडेंट्स को, एक एक स्टूडेंट को दे दी. अब आपको ये बताना है कि कितनी डायरीज उनके पास बची हैं. तो टोटल नंबर ऑफ डायरीज हम लिख सकते हैं यहाँ पे. देन फिर उन्होंने कितनी डायरी स्टूडेंट्स को दे दी. देन हमारे पास, अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ डायरीज लेफ्ट. हम आंसर निकाल लेंगे तो 168 डायरीज आर लेफ्ट विद हर. नेक्स्ट, अ कुर्ती कॉस्ट ₹325. अ साड़ी कॉस्ट 4 times द कुर्ती. हाउ मच डज द साड़ी कॉस्ट. यानी आपको एक कुर्ती की कॉस्ट दी हुई है ₹325 और साड़ी की कॉस्ट बोला है कि कुर्ती की कॉस्ट से 4 times है. यानी हमें क्या करना है, 4 की मल्टीप्लाई करनी है 325 से. 4 times का ये मतलब है. अगर यहाँ पे 3 times लिखा हो तो 3 की मल्टीप्लाई करते, 2 times लिखा होता या डबल लिखा होता तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. कॉस्ट ऑफ वन कुर्ती, कॉस्ट ऑफ अ साड़ी, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्टिकली भी आप कर सकते हैं. जिस भी तरह से आपको करना आता है उस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 4 नंबर नीचे लिख के और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 1300 रुपीज. द कॉस्ट ऑफ अ साड़ी इज ₹1300. नेक्स्ट, ईच ऑफ द 5 पीपल हु विजिटेड अ पॉपअप स्टोर बॉट 5 bars ऑफ हैंडमेड सोप. हाउ मैनी बार्स ऑफ सोप डिड दे बाय इन ऑल. तो अब आपको क्वेश्चन को पहले समझना है कि हमें इसमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या फिर मल्टीप्लीकेशन करना है. तो 5 लोग हैं जो 5 5 बार वो हैंडमेड सोप के खरीदते हैं. तो यानी एक जना 5 खरीदता है, फिर सेकंड पर्सन भी 5 खरीदता है, फिर थर्ड पर्सन भी. तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया. 5 multiply 5 तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 soap. नेक्स्ट, जेनी वेंट टू द स्टोर टू बाय सम एग्स. शी बॉट एन एग कार्टन विद एग्स अरेंज्ड इन 2 rows of 6 each. यानी 2 rows में हर एक रो में उसको 6 egg हैंगे कार्टन में. तो मल्टीप्लाई का ही क्वेश्चन है ये. हाउ मेनी एग्स डिड शी बाय इन ऑल. 2 multiply 6 12 egg. डेनवर प्रिपेयर्ड 4 sausages ईच फॉर 7 of his friends. यानी वो अपने हर एक फ्रेंड के लिए सॉसेज प्रिपेयर कर रहा है. हाउ मेनी सॉसेजेस डिड ही मेक इन ऑल. तो सिंपल हमारा ये मल्टीप्लीकेशन का ही क्वेश्चन है. तो 7 multiply 4 is 28. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर बाइज 2 packets ऑफ पेट फूड एवरी वीक फॉर हर डॉग्स. हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ पेट फूड विल शी बाय इन 8 weeks. तो 8 multiply 2 16 packets. इसी तरह से ये क्वेश्चन करने हैं आपको. पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा कि सही करे हैं आपने या नहीं. सही आपको पता लगा है कि हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो चीज आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए. उसके बाद आप अपना आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं. तो ये सारे ही क्वेश्चन, जो तीनों क्वेश्चन है, ये हमारे एडिशन के क्वेश्चन थे. नेक्स्ट आता है हमारा, देयर आर 675 एंट्स इन अ कॉलोनी. 241 एंट्स लीव. हाउ मेनी एंट्स आर देयर नाउ. तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए और फिर अपना आंसर लिखिए.
जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको इजी लगने लगेंगे क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या है बच्चों को सेंटेंस पढ़ना ही नहीं आता है और कई बार उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि करना क्या है, डिजिट्स बच्चे गलत लिख देते हैं उतार देते हैं, तो जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि हाँ हम ये मिस्टेक करते हैं। कई बार बच्चे बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमें तो आता है कि कहाँ एडिशन करना है, बट कई बार बच्चे डिजिट भी गलत उतार लेते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो जितनी ज्यादा बच्चे घर पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा उनको अपनी कमी का पता लगेगा कि हाँ मैं सब्ट्रैक्शन की जगह गलती से एडिशन कर देता हूँ, या मैं डिजिट गलत उतार लेता हूँ, तो या मैं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर देता हूँ। तो वो सब आप जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सबको सॉल्व करिए और फिर अपने आंसर चेक करिए कि सही करे हैं आपने या नहीं। नेक्स्ट, अ रिम ऑफ पेपर इज 4 सेंटीमीटर थिक, हाउ थिक वुड 5 रिम्स बी। तो थिकनेस बतानी है, यानी इसमें ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ये 4 × 5 20 सेंटीमीटर थिक होगा। यू गेट 6 एप्पल्स इन अ बैग, हाउ मैनी एप्पल्स इन 2 बैग्स। तो 6 × 2 करना है यहाँ पे तो 12 एप्पल्स आ जाएगा आंसर। सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको अगर टेबल याद है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, अदरवाइज पहले आप जरूर टेबल याद करिए और रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में भी बच्चे कर लेते हैं इसको सॉल्व, बट थर्ड क्लास में वो करना सही नहीं है, आपको टेबल ही लर्न करने चाहिए। तो अ फ्लैश लाइट रिक्वायर्स 2 बैटरीज टू फंक्शन, हाउ मैनी बैटरीज इन ऑल वुड 7 सच फ्लैश लाइट्स रिक्वायर। तो 14, 14 उसकी जरूरत होगी, तो 14 बैटरीज। इसी तरह से बाकी के ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। यूनिट लिखना जरूरी है जिस भी क्वेश्चन में यूनिट की बात होगी, इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, या किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, लीटर, मिलीलीटर, तो इस तरह से जो भी यूनिट होंगी वो यूनिट लिखना जरूरी है आंसर में। ये 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स ब्राइट, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।